Started. हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। दिस इज अनुपम सर और हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग जो है पार्ट है केमिस्ट्री का। एंड आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर यहां पर पूरी पूरी सीरीज फॉलो करोगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जल्दी से मैं देखो अपने बारे बता देता हूँ। बच्चा, आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और ये आपकी पूरी अकेडमी जेई की टीम है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स बनाती है। और सारे के सारे लेक्चर्स आप इस वीडियो बुक पे देख सकते हो, livedaily.me/jee। ये एक ऐसी वीडियो बुक है बच्चों जिसपे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके आप सारे का सारा कंटेंट जो है वो देख सकते हो। और अगर आप पूरी अकेडमी जेई टीम के साथ बच्चों लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ना चाहते हो, जैसे एक नॉर्मल जो है आपके ऑफलाइन क्लासेस में होता है, और एक पूरा पूरा वैसा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का फील चाहते हो जो कि आपको एक क्लास में मिलता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट देते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो यार वो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पूरा पूरा फील है वो तुम्हें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यहां पर इंडिया के देखो बेस्ट टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ाते हैं ताकि तुम इंटरैक्ट कर सको, बात कर सको, चैट कर सको। और यहां पर जो है बच्चों आपके बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, लाखों बच्चों इनसे पढ़ चुके हैं। सो अगेन यहां पर ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, जिनसे पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिजल्ट ला भी चुके हैं, और जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है उस पर भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट जो है यहाँ पर रिजल्ट लेके आ रहे। तो आप 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके अपना पूरा पूरा तैयारी कर सकते हो बेस्ट रैंक के लिए। एंड यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव, अनुपम लाइव कोड मेरा कोड है। अगर इसे यूज करते हो मुझे पता लगता है कि यार ये क्लासेस तुम्हें कितनी पसंद आ रही है। और साथ ही बच्चों यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको पर्सनल कोचेस भी असाइन होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बच्चों ये जो पूरा का पूरा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ना करें तो फिर यार इसमें मजा ही नहीं आता, ठीक है। ये एक ऐसा हमारे पास टॉपिक है जिसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हमें एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ता है। यहां पर जो है बीच में कूदना है ना, बीच में सपोज हम किसी चैप्टर पे कूद गए तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो ऑर्गेनिक में आती है बेसिक्स में, वो होती है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करने वाले, हम यहां पर कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग जो है वो देखने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते हैं। तो जो 11th पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं है ना, उसको किस तरीके से ऑर्गेनिक में यूज किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल हमें रिफ्रेश कर लेने चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड होने चाहिए हमारे पास, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें तो देखो पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे कॉमन फीचर्स हमारे पास क्या क्या आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या क्या आते हैं हमारे पास, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स एंड मोस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी जाती है तो हमारे पास कार्बन जो है वो मेन एटम होता है ना, ये सब जो है मतलब कार्बन जो है वो यहाँ का राजा है, ठीक है। ऑर्गेनिक का राजा कौन है, कार्बन, ठीक है। जो कुछ होता है कार्बन के बेसिस पे होता है, क्या कार्बन का किस तरह का कंपाउंड है, कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे मोस्टली चीज हमारे पास ऑर्गेनिक में डिसाइड होती है, isn't it? तो कार्बन जो राजा है, राजा के बारे में जो है सब कुछ पता होना चाहिए ताकि तुम जो है राजा पे आक्रमण करके उसको हटा जो है हरा सको, ठीक है। तो ये जो कार्बन है उसके बारे में सब कुछ हमें यहां पर समझ में आना चाहिए। तो कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग के अंदर हम कार्बन के बेसिक बॉन्डिंग जो है वो सीखेंगे। तो देखो यहां पर जो है कार्बन होते हैं और साथ में हाइड्रोजन एटम भी होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम भी हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जनरली जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है। ओवरऑल कार्बन जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जनरली 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास अगर एक स्टेबल है ना, स्टेबल कार्बन का कंपाउंड है तो स्टेबल कार्बन के कंपाउंड में जो कार्बन है वो कम से कम 4 बॉन्ड हमारे पास बना रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कार्बन की हम बात करें, ठीक है, या तो वो इस तरीके से CH4 की बात करें, ठीक है, तो वह ऐसा बना देगा, या फिर हम बात करें कार्बन ऐसे है ना, ऐसे 4 बॉन्ड बना लेगा। जनरली कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो दूसरे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं है ना, जो दूसरे और एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, इसके अलावा जो एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, और साथ में हैलोजन्स। तो हैलोजन्स के अंदर बात की जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अरे इसमें व्हाइट से लिख देता हूं, व्हाइट से आई थिंक ज्यादा मजा आएगा है ना।
चलो, सो हैलोजन्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, इनकी मेन चीज देखी जाती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या सर 11th का पढ़ाओगे, तो बेटा 11th का बेसिक्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 11th के बेसिक्स बिल्कुल कवर करूंगा, जो कि तुम्हें 12th में जो है अप्लाई जरूर करने हैं। अगर 11th के बेसिक्स ही नहीं आते तो फिर 12th की ऑर्गेनिक जो है वो हवा हो जाती है, ठीक है। तो 11th के बेसिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है एज अ टीचर, तो मैं चाहता हूं कि यार तुम्हें पूरा पूरा फायदा मिले मेरी टीचिंग का, तो उसके अंदर इसलिए मैं 11th का पोर्शन भी करा रहा हूं, ताकि तुम जो है 11th का पोर्शन के साथ साथ 12th का पढ़ सको, ठीक है। चलो, तो अब देखो यार यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, ये मेन हैलोजेंस हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस ये एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो मेनली जो हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके अलावा जो है हाइड्रोजन है, उसके अलावा हैलोजेंस हैं, और उसके अलावा थर्ड पीरियड के फॉस्फोरस, सल्फर, ये मेन एटम्स हैं। तो अब इन एटम्स की बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यार ये किस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इनमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं तो फिर ऑर्गेनिक बहुत आसान लगने लगती है, ठीक है, यस। चलो, अब देखो यार यहां पर नेक्स्ट चीज याद ये कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ तो हमारे पास चेन वाले कंपाउंड होते हैं, चेन वाले कंपाउंड का मतलब कि हमारे पास ऐसे सिंगल चेन है, ठीक है, है ना, और कुछ हमारे पास रिंग्स वाले होते हैं, तो रिंग्स का मतलब है कि हमारे पास इस तरीके से घूम के, है ना, घूम के जो है हमारे पास चीजें वापस आ रही। तो अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है, वापस से ये वाला कार्बन पहले वाले कार्बन से बॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपल सा चेन बोलेंगे, ठीक है, और ये अगर है हमारे पास तो इसको हम साइक्लिक बोल देंगे, सो दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं कि यार यहां पर रिंग प्रेजेंट है ना, घूम के आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हो गए। फिर इसके आगे चलते हैं, देखो इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कैसे किया जाए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में बहुत ही ब्रॉडली, है ना, बहुत ही ब्रॉडली बोलते हैं कि देखो यार इतने सारे जो कंपाउंड है ना उनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार वो या तो हमारे पास एलीसाइक्लिक या ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना कि ओपन चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं, तो जो कंपाउंड्स हैं उनको हम जब क्लासिफाई करते हैं तो इसी बेसिस पे कर देते हैं कि यार ओपन चेन कंपाउंड्स है हमारे पास, ठीक है। तो ओपन चेन जैसे कि हमारे पास ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन के अंदर क्या है, सिंपल सी एक सीधी सीधी चेन है, है ना, सीधी सीधी चेन है, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहां पर कोई रिंग नहीं बन रही है, दैट्स इट। सिंपली हमारे पास क्या है, एलीसाइक्लिक, ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो देखो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है, होमोसाइक्लिक जैसे होमो वर्ड है, इसका मतलब सेम, इसका मतलब सेम ही एटम्स प्रेजेंट हैं चेन के अंदर, है ना। और हीट्रोसाइक्लिक, हीट्रो मतलब अलग अलग, तो हीट्रो का मतलब कि यार हीट्रोसाइक्लिक में जो हमारे पास साइकिल है उसके अंदर अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जैसा मैंने ये बनाया, अब देखो इसके अंदर क्या हमारे पास सिर्फ कार्बन 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 प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, पर वो साइकिल के बाहर है, ठीक है, वो साइकिल के क्या है, बाहर है। तो जो यहां पर हमारे पास साइकिल के अंदर के एटम्स है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो साइकिल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे सपोज मेरे पास यहां पर जो है एक जगह नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, एक जगह क्या आ गया मेरे पास, यहां पर नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि यार यहां पर इस साइकिल में कार्बन के साथ और कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, तो दिस इज अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, यस, है ना। चल, बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बेसिक बेसिक हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही ब्रॉडली देखा जाए तो हम इन तरीके से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें आगे जाके देखें तो यार और भी हम जो है ब्रांचेस बना सकते हैं, पर वो धीरे धीरे समझेंगे जब हम और कंसेप्ट समझेंगे कि जैसे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होते हैं, है ना, ये सब आगे हमारे पास चीजें आती है।
तो अभी ब्रॉडली बेसिक हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम और डिटेल में जाएंगे और कंसेप्ट समझते जाएंगे, ठीक है। यस चलो, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर नेक्स्ट चीज के पढ़ने को आती है, नेक्स्ट चीज ये समझने को आती है कि यार ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी होती है ना। तो जब हम यहां पर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं हर एक एलिमेंट में। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए, है ना, ये मैंने स्टार्टिंग के कुछ यहां पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और इनकी कॉन्फिगरेशन बनाना और साथ में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना, ये बिल्कुल जो है हमारे टिप्स पे होना चाहिए। और इनके अगर आगे जाओगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, है ना, तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर जो कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब होता है कि भाई यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसका होता है हमारे पास 1s1, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हो जाते हैं, इसका मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो बोलेंगे 1। तो शेल जो है ना, शेल कहां से पता लगता है, इससे पता लगता है, ये हमारा शेल का नंबर बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। फिर देखो हीलियम है हमारे पास, हीलियम के अंदर क्या हो जाता है, 1s2, तो यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लिथियम के अंदर क्या हो जाता है, इसमें पहले शेल के अंदर 2 भरते हैं, फिर जो नेक्स्ट शेल आता है वो आ जाता है, तो इसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, 2 हो जाता है, तो यहां पर 2s1 हमारे पास हो जाता है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, 2s1 हो जाता है। तो अब यहां पर अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हमारे पास, तो ये हमारे पास वापस से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, है ना। फिर सिमिलरली बेरिलियम की बात करें तो 1s2, 2s2, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बोरोन की अगर बात करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास ये वाला नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो हमें कॉन्फिगरेशन में दिख रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से दिख रहे हैं हमें, यहां से दिख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से दिख रहे हैं हमें, यहां से दिख रहे हैं कि यार ये इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें नाइट्रोजन की तो 1s2, 2s2, 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4, यहां पर कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। क्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p5, यहां पर हो जाते हैं 7, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के बेसिस पे हमारे पास बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग के अंदर क्या चीज स्टेबल होगी, क्या चीज अनस्टेबल होगी, ये हम इसी बेसिस पे बता सकते हैं। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम जो है स्टेबिलिटी नहीं बता पाएंगे। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ चलो आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहां पर कि यार ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गए, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गए। अब हम यहां पर फर्दर क्या देखते हैं, अब हम फर्दर ये देखते हैं कि जब हम कंपाउंड्स देखते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स, तो वहां पर जो काउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास यहां पर जो है ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर देखो हम क्या लिख रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर हम लिख रहे हैं कि देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन के यहां पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल चीज देखें तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि देखो नाइट्रोजन के यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से, तो यहां पर हम बोलेंगे कि देखो अगर हमें इस तरीके से कभी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ दिखता है, कौन सा, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कौन सा, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम बोलते हैं कि देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हर एक बॉन्ड पे, है ना, बॉन्ड्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम से आते हैं जनरली,
है ना, दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में जा रहे होते हैं। तो जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन के खुद के क्या है, ये नाइट्रोजन के खुद के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के खुद के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली अगर मैं कार्बन के दिखाऊं तो कार्बन के एक दो तीन चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के ये वाला एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये क्या है, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है जैसा हम यहां पर दिखा रहे। तो इसके बेसिस पे बॉन्डिंग में हम बोलते हैं कि देखो नाइट्रोजन यहां पर तीन बॉन्ड्स जो बना रहा है उसमें अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं कि हियर ईच एलिमेंट ए शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन इन अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। यस, अब देखकर यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए, है ना, सेकेंड पीरियड में तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके जब स्पेशली बॉन्डिंग देखी जाती है तो क्या देखा जाता है कि जो इनके स्टेबल कंपाउंड्स हैं, जो इनके जनरली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है। ऑक्टेट का क्या मतलब है, ऑक्टेट का यह मतलब है कि यार खुद के इलेक्ट्रॉन और शेयर करे हुए इलेक्ट्रॉन सब मिला के जो है टोटल नंबर कितना आना चाहिए, आठ आना चाहिए, इजंट इट, खुद का इलेक्ट्रॉन प्लस बाकी लोगों से जो है भाईचारे से जो आ रहे हैं, है ना, भाईचारा मतलब बॉन्डिंग करना, तो बॉन्डिंग के भाईचारे से बाकी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल मिला के आठ होने चाहिए। इससे क्या बनता है, हमारे पास एक स्टेबल जो है वो कंपाउंड क्रिएट होता है। अगर आठ नहीं है तो हो सकता है अनस्टेबल हो, अगर आठ नहीं है तो क्या है, हो सकता है हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड वहां पर हो रहा हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास एक ऑक्टेट रूल, है ना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो कार्बन का ऑक्टेट है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, कार्बन के ऑक्टेट में हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, ठीक है, और चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, ये सभी कार्बन के वैलेंस शेल में काउंट हो रहे हैं, तो वैलेंस शेल में कार्बन के टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हियर ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, ठीक है। और ये ऑक्टेट रूल मेनली कहां पर हमारे पास काम में आता है, ऑक्टेट रूल जो है मेनली हमारे पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में ही काम आता है, और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो मेजरली जो है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के ही कंपाउंड हो रहे होते हैं, तो यहां पर इसलिए ऑक्टेट रूल लगाना काफी जगह हमारे पास पॉसिबल होता है, हर जगह नहीं होता, जहां पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट आ जाते हैं वहां पर ऑक्टेट रूल इतना अच्छी तरह काम नहीं करता, मोस्टली पर सेकेंड पीरियड के जो है कंपाउंड होते हैं तो वहां पर ऑक्टेट रूल जो है वो बहुत बढ़िया से लगता है कि अगर एक स्टेबल कंपाउंड देखेंगे तो उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल आठ हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो देखो नाइट्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, यहां पर नाइट्रोजन के खुद के पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, खुद के पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक दो तीन चार पांच, एक कार्बन की तरफ से आ रहा है, एक कार्बन की तरफ से आ रहा है, दो हाइड्रोजन से आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन से आ रहे हैं, टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन को आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत है, राइट। और अगर हमारे पास सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो यहां पर नाइट्रोजन पे टोटल पांच में से तीन इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालता हूं तो दो खाली बचते हैं, तो जो खाली बचते हैं वो हमारे पास क्या है, है ना, वो लोन पेयर है, उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, इसका मतलब वो अपने घर के अंदर, दैट इज नाइट्रोजन के घर के अंदर वो अकेले पड़े हुए हैं, वो बाहर से जो है इंटरैक्शन नहीं कर पा रहे, है ना, ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे एटम से इंटरैक्ट कर रहे हैं,
पर ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर ही प्रेजेंट है ना, ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो यहां पर हम बोलते हैं देखो लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ओनली ऑन अ सिंगल एटम। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है भाई वो केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होता है ना वो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम बेसिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक में जो बेसिक कंपाउंड्स आते हैं जिसपे डायरेक्टली तुम्हारे जेई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है यार ये बेस की तरह क्यों काम कर रहा है, वो इस लोन पेयर की वजह से होता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई में इसमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आते हैं इस लोन पेयर के बेसिस पे। क्या ये लोन पेयर क्या कर रहा है, क्या ये नाइट्रोजन पे ही है, क्या ये कहीं और घूमने चला गया, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो वेरी गुड, लोन पेयर समझ नहीं आया। लोन पेयर क्या होता है, नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पे हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनमें से तीन क्या कर रहे हैं, तीन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन हमारे पास क्या है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये तीन क्या हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये जो दो हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बस क्या पड़े हुए हैं नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। तो दीज आर कॉल्ड दी लोन पेयर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड दी लोन पेयर्स। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कार्बन पे, ठीक है, हर एक कार्बन पे देखा जाए तो कार्बन के खुद के चार इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, कार्बन के खुद के चार इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन पे देखा जाए तो ऑक्सीजन पे जो है दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है उनके क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कार्बन के भी यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और ऑक्सीजन का भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहां पर हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में एक यहां पर कार्बन से आ रहा है, एक यहां पर हाइड्रोजन से आ रहा है। टोटल मिला के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हो रहे हैं। ये होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना। ठीक है, ये होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना। बिल्कुल क्लियर है वाली बात। ठीक है, चलो अब देखो यार हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज ऑर्गेनिक में, और ये बहुत ही अगेन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब केमिकल बॉन्डिंग का, जो यहां पर मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं ना, मतलब ये 11th का पार्ट है। अब जो 11th में जो है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, जो 11th में तफरी मार रहे थे तो उनको यहां पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चीज है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें इनका ट्रैक रखना पड़ता है। ठीक है, ट्रैक रखना मतलब ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये कहीं जो है अपना कहीं छोड़ के कहीं भाग भाग तो नहीं गए, है ना, जैसे वो होते हैं ना बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे तो क्या होते हैं, यहां वहां भागते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जो है एटम्स के बच्चों की तरह है, बस ये यहां वहां भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे। और अगर ये जो है इनका काउंटिंग कम हो गया तो हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। ठीक है, हमारे लिए जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का काउंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जो है, ठीक है, वो नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल निकले, इजंट इट, जो कंपाउंड है हमारे पास वो अनस्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट रखने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। तो ये फॉर्मल चार्ज क्या है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे हम असाइन करते हैं कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे,
कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान से पढ़ो, फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट, ठीक है, अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द एटम्स, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड फॉर्म में हैं, ठीक है, वो इक्वली शेयर हो रहे हैं, और इसके बेसिस पे हम कुछ चार्ज लिखते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, और वो चार्ज जो है वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है, है ना, वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अब ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज का और जो हमारे पास नॉर्मल चार्ज बोला जाता है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज नॉर्मल चार्ज के इक्वल हो, है ना। इसका मतलब जैसे मैंने सपोज फॉर्मल चार्ज किसी पे प्लस वन निकाला, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जेन्युइनली कमी है, है ना। हम यहां पर समझेंगे कि यार फॉर्मल चार्ज को कैसे यूज किया जाए, तो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। आप देखो, जैसे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इनको तो माइनस कर दोगे तो तुम्हें वहां पर फॉर्मल चार्ज एलिमेंट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, सिर्फ एक कंसेप्ट है, फॉर्मल चार्ज हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमें हेल्प करता है ये समझने में कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां वहां कहीं भाग तो नहीं गए, है ना, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे पूरे तो बैठ रहे कि नहीं पूरे बैठ रहे, या पता चला कि मॉलिक्यूल से कहीं बाहर जो है हमारे पास चला गया कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि यार फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे सपोज मैं यहां पर ये वाले कंपाउंड की बात करूं, बोरोन का कोई कंपाउंड है जिसके अंदर बोरोन तीन क्या बना रहा है, तीन हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। उस केस में हम क्या लिखेंगे कि देखो बोरोन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन, ठीक है, क्या होते हैं, ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हमें क्या माइनस करना है, प्लस हमें यहां पर माइनस करना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो बोरोन है उस पर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई भी जो है हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों ने क्या करा, यहां पर बॉन्ड बना लिए, है ना, तीनों के तीन ने क्या करा, यहां पर बॉन्ड बना लिए। तो नेट यहां पर अगर हम देखें तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज, अरे यहां पर ही गलत आ गया, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा यहां पर जीरो, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मल चार्ज जो है वो जाएगा जीरो, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं तीन, है ना, सो ये कितना हो गया जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा यार यहां पर जीरो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा हमारे पास जीरो फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है। तो बोरोन जिस पे तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो सिंपल सा हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज जीरो है। वेरी सिमिलरली, जैसे अगर सपोज मैं कार्बन की यहां पर बात कर रहा हूं, कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहां पर 4 माइनस 0 प्लस 4, दैट इज अगेन 0, ठीक है। तो कार्बन पे चार बॉन्ड होने चाहिए तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है, बात समझ में आती। अब देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन पे हमारे पास तीन बॉन्ड होने चाहिए, अगर तीन बॉन्ड हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोई भी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एक लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, है ना, यहां पर टोटल हमारे पास कितने थे, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच में से ध्यान दो नॉन बॉन्डेड है,
दो ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, दो ने अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा तो यहां पर हम लिखेंगे टू, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यहां पर तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं तो यहां पर थ्री, टोटल मिला के कितना हो गया जीरो। ओके, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पे यहां पर कितने हैं हमारे पास, छह हैं। छह में से ध्यान दो टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड हैं, वो लोन पेयर बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया चार, दो बॉन्ड बन रहे हैं तो ये कितना हो गया जीरो। और सिमिलरली अगर मेरे पास कोई हैलोजन है और हैलोजन पे तीन लोन पेयर हैं, एक सिंगल बॉन्ड है, तब हम क्या बोलेंगे वहां पर फॉर्मल चार्ज क्या है, वहां पर फॉर्मल चार्ज वापस से हम बोलेंगे जीरो। ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन हो गई, है ना, ये क्या हमारे पास फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास केस, नेक्स्ट केस अब ध्यान से देखो, अब हम देख रहे हैं यहां पर ऐसा केस जिसमें कार्बन पे क्या है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ध्यान से देखो, कार्बन ने यहां पर तीन बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने तीन बॉन्ड बना रखे और तीन बॉन्ड बनाने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर कार्बन पे सिर्फ तीन बॉन्ड ही प्रेजेंट है और चौथा जो इलेक्ट्रॉन उसका होना चाहिए था वो नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार, है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो जीरो, और बॉन्ड्स कितने हैं यहां पर तीन हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया प्लस। तो देखो कार्बन पे अगर हमारे पास तीन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, है ना, तो क्या आ गया वहां पर, अगर वहां पर तीन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन बॉन्डेड, देन इट इज प्लस वन फॉर्मल चार्ज। पर अब नाइट्रोजन पे अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों नाइट्रोजन पे क्या होता है, नाइट्रोजन पे अगर हम ध्यान से देखें यहां पर देखो चार बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन पे चार बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे कितने होने चाहिए हमारे पास, नाइट्रोजन पे पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या दिखा रखा है कि नाइट्रोजन के जो है चार बॉन्ड बने हुए हैं और साथ में कोई भी और लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो नाइट्रोजन पे अगर इस तरीके से हमें चार बॉन्ड दिखा रखे हो, कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रखा हो, तो फिर हम बोलेंगे यहां पर हो जाएगा जीरो, है ना, प्लस यहां पर चार बॉन्ड हैं तो टोटल मिला के प्लस वन पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज। तो देखो यहां पर क्या है, प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, दिस दीज आर द फॉर्मल चार्जेस, ये हमारे क्या है फॉर्मल चार्जेस। आगे देखो ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन पे हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन पे टोटल मिला के हमें छह होने चाहिए, ठीक है, प्लस यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है दो जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो दो को हम यहां पर लिखेंगे। टोटल बॉन्ड्स कितने दिखा रखे हैं यहां पर, टोटल बॉन्ड्स दिखा रखे हैं यहां पर तीन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे और ये हो जाएगा प्लस वन। वेरी सिमिलरली अगर मेरे पास कोई हैलोजन है और हैलोजन पे क्या बना हुआ है, हैलोजन पे टोटल मिला के मेरे पास दो बॉन्ड बने हुए हैं और दो लोन पेयर मुझे दिखा रखे हैं, दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो लोन पेयर बना रखे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यार, यहां पर जो है फॉर्मल चार्ज हो जाएगा सेवन माइनस फोर प्लस टू दैट इक्वल टू प्लस वन। ठीक है, तो ये सारे देखो हमारे किसके हैं, प्लस वन के केसेस हैं, ये सारे क्या हमारे पास प्लस वन के केसेस हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट ये वाले केस, ये हमारे क्या है बोरोन पे, जैसे हमने दिखा रखा है बोरोन पे, हमने दिखा रखा है चार बॉन्ड बने हुए हैं, बोरोन पे क्या दिख रखा है चार बॉन्ड बने हुए हैं और कोई हमें यहां पर लोन पेयर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हम लिखेंगे यार जो बोरोन है ठीक है उस पर तीन होने चाहिए, कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सो दैट इज जीरो, और बॉन्ड जो है वो चार है तो कितना है हमारे पास टोटल यहां पर माइनस वन फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब यहां पर देखो कार्बन भी क्या दिखा रखा है, कार्बन पे दिखा रखा है कि टोटल मिला के यहां पर चार होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, दो लोन पेयर दिखा, मतलब एक लोन पेयर दिखा रखा है तो दैट इज टू, है ना, दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे। अब यहां पर क्या है बॉन्ड कितने बना रखे, बॉन्ड हमारे पास बना रखे तीन, तो टोटल क्या है यहां पर माइनस वन फॉर्मल चार्ज। सिमिलरली यहां पर कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर हैं, दो हमारे पास बॉन्ड है उस केस में माइनस वन फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन पे तीन लोन पेयर हैं, एक बॉन्ड है माइनस वन फॉर्मल चार्ज,
हैलोजन पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, एक कोई भी बॉन्ड नहीं है, और चार जो है हमारे पास लोन पेयर है, इसका मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है। ये हमारा क्या है, -1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब ध्यान रखो जब भी हम इस तरह के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में बनाते हैं तो साथ में ये फॉर्मल चार्ज लगाना जो है वो जरूरी होता है, ताकि फॉर्मल चार्ज से पता लग जाए हमें कि यार कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं है। फॉर्मल चार्जेस हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं ये समझने में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वेरी गुड। विल चार्ज प्ले एनी रोल इन दीज क्वेश्चंस? कौन सा, ये वाला चार्ज? तो ये वाला चार्ज तो है ना डायरेक्टली है, देखो जो यहां पर फॉर्मल चार्ज मैंने लिखा है ना, यही तो यहां पर दिखा रखा है, तो तुम्हें यही प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं कि जो तुम इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालोगे वो तुम्हें यहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, यहां पर दिखाना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज अलग से दिखाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ताकि वो हम क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट रख सके। ओके, चल आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार यहां पर हम इसका एग्जांपल करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ इस वाले कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है जल्दी से मुझे बताओ। यहां पर ये वाला कार्बन है ना, इस पे टोटल कितने होने चाहिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या तुम्हें यहां पर कोई भी जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लोन पेयर वगैरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर 0 लिख दोगे। बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, बॉन्ड्स कितने बना दोगे तुम, यहां पर 3 बना दोगे, टोटल मिला के +1 फॉर्मल चार्ज, यहां लिख देंगे +1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे हमारे पास यहां पर 3 तो है ये है, ठीक है, और एक लोन पेयर हमें यहां पर दिखा रखा है, तो टोटल हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल हम लिखेंगे यहां पर ये जो है 6, ठीक है, -2 + 3 दैट इज इक्वल टू +1 है ना। ये वापस किसका केस है, हमारे पास +1 का केस है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, +1 का केस है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे देखो, यहां पर देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस वाले ऑक्सीजन पे है ना, इस वाले ऑक्सीजन पे देखो, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है, 3 तो हमारे पास लोन पेयर है, इसका मतलब 6 अनबॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके अलावा एक बॉन्ड और है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, यहां पर हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 6 + 1 दैट इज इक्वल टू -1, तो यहां पर हम -1 दिखाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे बात करेंगे तो बिल्कुल जैसे ऊपर वाला केस है वैसे ही केस है, इस ऑक्सीजन पे वापस -1 दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है वाली बात, है ना। चलो और आगे चलते हैं, यहां पर अगर हम बात करें इस वाले नाइट्रोजन पे, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है, कोई भी हमें और कोई लोन पेयर नहीं दिखा रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे टोटल 5 माइनस कितना हो गया यहां पर 0 + 4 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे +1 चार्ज है। फिर यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे टोटल 6 -3 + 2 ठीक है, कितना हो गया +1 चार्ज, है ना। इस तरीके से क्या लिखना होता है, कभी भी तुम इस तरह का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में बना रहे हो, साथ में जो हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर हैं उनमें एलिमेंट के ऊपर अगर कोई चार्ज आ रहा है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज दिखाना जरूरी है। अब जैसे तुम ये भी बोल सकते हो कि सर आपने कार्बन पे तो कुछ लिखा ही नहीं, बिकॉज कार्बन पे देखोगे नॉर्मल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो 0 हो गया यहां पर। तो जो 0 वाला केस है वो दिखाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, जो 0 वाला केस है वो दिखाना हमारे पास जरूरी नहीं होता, सिंपल सी बात है। यहां पर हम क्या कर देंगे, इस तरह से चार्ज दिखा देंगे। ठीक है, अब इस चार्ज का इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक है, अब हम इस चार्ज का इंपॉर्टेंस समझते हैं। ओके, चार्ज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो चार्ज का इंपॉर्टेंस ये है ना कि अगर मैं कार्बन के ऊपर देखूं, ये सारे स्ट्रक्चर में कार्बन पे 4 बॉन्ड बन रहे और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फॉर्मल चार्ज यहां पर कितना निकल के आएगा, फॉर्मल चार्ज यहां पर निकल के आएगा हमारे पास 0। ठीक है, बट अगर मैं ये वाला देखूं, इसमें कार्बन पे क्या है हमारे पास, फॉर्मल चार्ज यहां पर +1। ठीक है, तो कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है, कार्बन पे अगर +1 फॉर्मल चार्ज है, इसका मतलब कार्बन का वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, है ना, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट। ठीक है,
ये इसका इंपॉर्टेंस है कि जब कार्बन पे तुम्हें देखेगा कोई प्लस वन फॉर्मल चार्ज तुम्हें बना के दे रखा है, इसका मतलब वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला कार्बन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ये बात समझ में आ रही, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इनकम्प्लीट, सो इट इज अ रिएक्टिव कार्बन, है ना? क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वो बहुत आराम से रिएक्ट कर पाएगा, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, ठीक है? यस। फिर देखो आगे देखते हैं, अब यहां पर नाइट्रोजन का देखें, यार यहां पर नाइट्रोजन पे जो है फॉर्मल चार्ज जीरो है, वो हमने कैलकुलेट किया था। इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस वन यहां पर फॉर्मल चार्ज है, क्या ये वाला नाइट्रोजन भी हमारे पास रिएक्टिव होगा? क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? जल्दी से मुझे सोच के बताओ, यार यहां पर नाइट्रोजन पे जो है ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? ठीक है, कंप्लीट कंपाउंड्स का बेटा फॉर्मल चार्ज हमें तभी हेल्प करता है ना, फॉर्मल चार्ज हमें तभी हेल्प करता है जब हम किसी एटम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम इस एटम के बारे में देख पाते हैं कि यार इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि नहीं है, है ना? चलो, है ना, ओके, वेरी गुड, है ना? मैं यही चाहता था कि तुम यहां पर फंस जाओ, ठीक है? मैं यही चाहता था कि तुम यहां पर फंस जाओ और इस फंडे को हमेशा याद रखो, बिकॉज ये फंडा जो है वो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स भी जो है उनका सर भी चकरा जाता है, है ना? जब वो डायरेक्टली ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का सर चकरा जाता है कि सर नाइट्रोजन पे तो आपने प्लस वन चार्ज दिखाया है, तो फिर आपने उसको अनस्टेबल क्यों नहीं दिखाया, उसको आपने अनरिएक्टिव, उसको आपने रिएक्टिव क्यों नहीं दिखाया? ठीक है, तो देखो अब ध्यान से क्या हुआ, यहां पर नाइट्रोजन जो है अगर हम बोल रहे हैं उस पर चार बॉन्ड बने, तो चार बॉन्ड का सिंपल सा क्या मतलब है, चार बॉन्ड का सिंपल सा ये मतलब है कि यार यहां पर जो है हम आठ इलेक्ट्रॉन तो दिखाएंगे ही ना, है ना? आठ इलेक्ट्रॉन तो हम दिखाई रहे हैं, तो अगर नाइट्रोजन पे मैं चार बॉन्ड बना रहा हूं, इसका मतलब आठ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के आसपास, तो ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट क्या यहां पर कंप्लीट है, ठीक है? ऑक्टेट क्या यहां पर कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। और अब बोलोगे सर ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ, यहां पर तो आपने प्लस वन चार्ज दिखाया, इसका क्या मतलब है? फिर इसका ये मतलब होता है कि जब भी मैं तुम्हें आगे जाके नाइट्रोजन पे प्लस वन चार्ज दिखाऊंगा, उसका मतलब देखो ये होता है कि नाइट्रोजन यहां पर क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन यहां पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है? क्या बना रहा होगा, आगे मैं लिखता हूं, ठीक है? नाइट्रोजन यहां पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन का जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका सिंपल सा ये मतलब है, है ना? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये जो हमारे पास चौथा बॉन्ड है, ये जो हमारे पास फोर्थ बॉन्ड है, है ना? सपोज मैं इसको मार्क कर देता हूं कि यार ये मेरे पास फर्स्ट बॉन्ड है, ठीक है? ये मेरे पास फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकेंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है और ये फोर्थ बॉन्ड है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड, ये जो मेरे पास बॉन्ड्स हैं, ये नॉर्मल कोवेलेंट है, ठीक है? नॉर्मल कोवेलेंट का क्या मतलब होता है, नॉर्मल कोवेलेंट का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है? नॉर्मल कोवेलेंट का क्या मतलब होता है, भाईचारा। भाईचारा मतलब कि तू एक दे मैं एक देता हूं, है ना? दोनों खुश रहते हैं, ठीक है? नॉर्मल कोवेलेंट का बॉन्ड क्या मतलब होता है, भाईचारा, तू एक दे मैं एक देता हूं बॉन्ड, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे क्या है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। चौथा जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है ना, चौथे बॉन्ड में क्या हो गया, है ना? फोर्थ बॉन्ड जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन का, है ना, दानवीर कर्ण वाला जो स्वभाव है वो दिखाता है, ठीक है? क्या दिखाता है, जो फोर्थ बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा होता है वो उसका दानवीर कर्ण वाला स्वभाव दिखा रहा होता है, ठीक है? इसका यह मतलब है कि नाइट्रोजन
अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना एक लोन पेयर शेयर करके, है ना, क्या करता है, शेयर करता है और बॉन्ड बना देता है। तो ये कब शेयर कर रहा होता है, ये तब शेयर कर रहा होता है जब सामने वाला कोई भिखारी इसके सामने प्रेजेंट हो। ठीक है, हम बोल रहे हैं कोई यहां पर भिखारी एटम प्रेजेंट है। तो अगर कोई भिखारी एटम प्रेजेंट होता है ना, वो कटोरा लेके नाइट्रोजन के सामने आता है ना कि भिक्षा दे दो, तो नाइट्रोजन बोलता है कि चल तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो मैं अपना लोन पेयर तेरे साथ शेयर कर देता हूं। लोन पेयर को शेयर करना, ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। ठीक है, क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन जो है भिखारी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर देता है। अब ध्यान रखो ये शेयर्ड ही है, अभी भी ऐसा नहीं है नाइट्रोजन ने जो है, नाइट्रोजन ने यहां पर ऐसा नहीं है कि अपने दो इलेक्ट्रॉन भिखारी एटम को देके भेज दिया, है ना, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन भिखारी एटम को देके भेज दिया, वो सिर्फ शेयर ही कर रहा है। तो अगर शेयर कर रहा है इसका मतलब वो अभी भी नाइट्रोजन पे भी काउंट होंगे, है ना, वो नाइट्रोजन पे भी काउंट होंगे। तो नाइट्रोजन पे भी काउंट हो रहे हैं, साथ में भिखारी के पास भी काउंट हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो हमारे शेयर्ड है। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना बोलते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, स्टिल उसके ऊपर टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आगे जाके कभी भी मैं नाइट्रोजन पे अगर 4 बॉन्ड बनाने के बाद पॉजिटिव चार्ज लिख दूं तो ये मत समझना कि नाइट्रोजन पे ऑक्टेट की कमी है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। ठीक है, ये बात समझना आ गई, है ना। सो नाइट्रोजन स्टिल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, ठीक है, तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चल, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास ऐसा ही केस हम जो है ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में भी मैंने तुम्हें काफी जगह प्लस वन चार्ज दिखाया, isn't it? ऑक्सीजन के केस में भी मैंने क्या दिखाया, प्लस वन चार्ज दिखाया। कैसे, जब जैसे हम इसकी बात कर रहे थे ऑक्सीजन के केस में, जो जैसे मैंने लिखा तुम्हारे सामने H3O+, ठीक है, सपोज मैंने ये लिखा, है ना, क्या इसमें ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पे मैंने प्लस वन चार्ज दिखाया तो क्या ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, नहीं, ऑक्सीजन अनस्टेबल नहीं है, उसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। ओनली थिंग इज यहां पर ये क्या काम कर रहा है, अपना दानवीर कर्ण वाला स्वभाव दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे दिखाएंगे, हम देख लेंगे कि यार ये 1 2 3, है ना, ये इस तरीके से, ये हैं सारे के सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड्स। ठीक है, तो जैसे मैं इसको फर्स्ट बॉन्ड बोल रहा हूं, इसको सेकेंड बॉन्ड बोल रहा हूं, तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कोवेलेंट। थर्ड बॉन्ड जो है ना, थर्ड बॉन्ड हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बना कैसे होगा, ये तभी बना होगा जब एक भिखारी एटम जो है वो ऑक्सीजन के पास आया होगा, भिक्षाम देई, है ना, तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि देखो ऑक्सीजन जो है वो अपना यहां पर चिल मार रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है, और ये भिखारी जो है इसके पास आया, है ना, ये भिखारी एटम इसके पास आया, ये भिखारी जो है इसके पास आया। ठीक है, जब ये भिखारी आया इसने बोला भिक्षाम देई, तो उसने बोला चलो मुझे जो है मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं। ठीक है, पर वो मेरे पे भी काउंट होंगे। ठीक है, वो मेरे पे भी काउंट होंगे। ठीक है, तो वो वहां पर जाएंगे, हाइड्रोजन पे भी रहेंगे, ऑक्सीजन पे भी रहेंगे, ऑक्सीजन पे भी काउंट होंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको यहां पर दिखा देते कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बट स्टिल उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाले जो बच्चों हैं हमारे पास, ये सारे के सारे केसेस, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको याद रखने कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है 3 बॉन्ड के साथ, तो अनस्टेबल है,
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन पे चार बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट में दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में तीन बॉन्ड एक लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अनस्टेबल नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है बहुत ज्यादा। ये हमें जो है बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, इसलिए मैं क्या है सारे केसेस तुम्हें दिखा रहा हूं। सिमिलरली जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं है ना कि हमारे पास ये है CH3 तो क्या यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये प्लस वन चार्ज अब दिखा क्या रहा है, ये प्लस वन चार्ज ऑक्सीजन पे क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन पे जो प्लस वन चार्ज है ये मैंने बोला ना इसका नानवीर कर्ण स्वभाव, ये इसी को दिखा रहा है कि देखो ऑक्सीजन पे अगर तुम्हें तीन बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी बॉन्ड में, ठीक है। इस प्लस वन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन पे तीन बॉन्ड एक लोन पेयर फिर एक प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज डेफिनेशन, है ना, ध्यान से देखो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या थी। फॉर्मल चार्ज की हमारे पास डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि अ फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन में था फॉर्मल चार्ज जो है वो क्या शो करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे केमिकल बॉन्ड्स में इक्वली शेयर हुए, इक्वली मतलब भाईचारा, भाईचारा मतलब एक तू दे एक मैं देता हूं, है ना, दोनों शेयर करते हैं। और हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के पास जब भिखारी एटम आया तो उसमें क्या करा, दानवीर कण वाला स्वभाव शो करा, तो वो जो है हमारा प्लस वन चार्ज उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि कार्बन में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन में अगर तीन बॉन्ड हैं, ठीक है, कार्बन में अगर हमारे पास तीन बॉन्ड हैं और प्लस चार्ज दिखा रखा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे कम है जितना होना चाहिए उससे। ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है तीन इसके साथ तो ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव फॉर्मल चार्जेस भी हमने देखा है ना, तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव चार्ज के अंदर अगर हम देखें, है ना, तो ध्यान से देखो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है ना, फॉर्मल जो है माइनस वन चार्ज है। तो कार्बन पे अगर फॉर्मल चार्ज माइनस वन है ना, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे शो करेंगे कि देखो यार यहां पर जो है कार्बन के खुद के चार इलेक्ट्रॉन थे, है ना, रेड कलर में कार्बन के खुद के चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं उसमें ये जो तीन इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर्ड है, वो कहीं से आए होंगे, ठीक है। और एक और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, एक और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहां पर प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन कहीं से चुरा के लाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे ये क्या है, कहीं से चुरा के लाया कार्बन, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने किसी और का मारा हुआ है, ये किसी और का मार के यहां पर लाए, कोई और जो है किसी और एटम का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मार के लेके आया, ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको माइनस वन चार्ज देता है, ठीक है, ये जो है इसको माइनस वन चार्ज देता है। तो ये कहीं से और से मार के लाए, है ना, कहीं और से मार के लाए, तो ये इसको एक एक्स्ट्रा क्या है, माइनस वन चार्ज देता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा माइनस वन चार्ज कार्बन पे क्यों आता है ना। अब देखो यहां पर ये नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पे सपोज मैंने दो बॉन्ड बनाया, ठीक है, नाइट्रोजन पे दो बॉन्ड बनाया और उस पर मैंने एक फॉर्मल चार्ज नेगेटिव दिखा रखा है, तो इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन के खुद के कितने हैं, पांच हैं, नाइट्रोजन के खुद के पांच होने चाहिए, तो पांच रेड में दिखाए मैंने, एक जो है कहीं से मार के लेके आया, ठीक है, एक जो है वो कहीं से क्या है मार के लेके आया है, ये इसको क्या देता है, माइनस वन चार्ज देता है। बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है हमारे पास, शेयर्ड है ना, बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास, शेयर्ड है। तो नाइट्रोजन पे यहां पर दो दो लोन पेयर इकट्ठे हो गए, ठीक है, यस, चल आगे बढ़ते हैं, है ना।
तो ये देखो हमारा माइनस वन, और अच्छा ऑक्सीजन का भी लिख देता हूं बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, ऑक्सीजन का भी लिख देता हूं। ऑक्सीजन पे भी देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे भी अगर हमारे पास है इस तरीके से एक बॉन्ड है, ठीक है, तो खुद के छह इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है, एक इसने कहीं से मारा होगा, है ना, तो इसकी वजह से माइनस वन चार्ज जो है यहां पर आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, शेयर्ड है, ठीक है। फिर साथ में Cl- की बात करें तो वहां पर भी यही फंडा है, है ना, जैसे X- की बात करें तो खुद के क्या हैं, खुद के यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात, एक कहीं से लेके आया है, उसकी वजह से माइनस वन चार्ज है। ये जनरली हैलोजन्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, है ना। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मल चार्जेस का कैलकुलेशन, कि कभी भी अगर मैं तुम्हें किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज लिख के दे रहा हूं तीन आइटम के साथ, तो तुम्हें समझ जाना है ऑक्टेट के यहां पर इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन पे अगर मैं लिख के दे रहा हूं चार बॉन्ड के साथ प्लस वन चार्ज, तो तुम्हें समझ जाना है कि यार यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन सिर्फ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो हमारे प्लस वन माइनस वन चार्जेस हैं, ये हमें बताता है कि यार इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, किसी और एटम से आया हुआ है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास बन रहा है, या नॉर्मल हमारे पास जो है बॉन्ड्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, है ना, ये बात समझ में आ रही। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना कि यार जो है कार्बन में किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर के अंदर हमें समझने का इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ने का होता है, ठीक है, तो यहां पर यह पढ़ने का होता है कि देखो जब हम कार्बन पे चार बॉन्ड कंसिडर करते हैं, है ना, कार्बन पे जब हम चार बॉन्ड कंसिडर करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, तो कार्बन पे जब हम चार सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, है ना, फोर सिंगल बॉन्ड्स ऑन कार्बन, ये इसके क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, है ना, ये इसके क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हम बोलते हैं यहां पर, है ना, और फोर सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन, यहां पर इसके हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम लगाते हैं, ठीक है, यहां पर जो इसके 2s, है ना, एंड 3 2p, 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स, है ना, ये जो होते हैं मेक 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। जब हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये चीज लिखी थी, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये चीज लिखी थी कि यार कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कार्बन की क्या होती है, 2s1 एंड 2p3। तो जब हमारे पास 2s1 2p3 लिखा हुआ होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि एक जो है हमारे पास s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, तो एक s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, है ना, इज 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन एट 109.5 डिग्री टू ईच अदर, है ना। जब भी हम बात करते हैं कि कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड हैं, तो चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब यह होता है कि यार वहां पर जो है हमारे पास इस तरीके से 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है वाली बात, यस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर टेट्राहेड्रल
ज्योमेट्री, है ना। इसका मतलब यहां पर जो कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से आएंगे, है ना। कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शेप, इसकी अगर बात की जाए तो क्या होता है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एक बड़ा सा हम जो है चक्कर लगाते हैं, एक छोटा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा चक्कर, एक छोटा चक्कर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब, है ना। ये एक लोब है और ये एक लोब है, और बीच में हमारे पास क्या रहता है, बीच में हमारे पास रहता है न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फंडा है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन का फंडा है, ओके। टेट्राहेड्रल क्या होगा, टेट्राहेड्रल कैसे निकाला, ये हम जो है एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद हमें पता लगता है कि यार हम जो है कौन से वाले मॉलिक्यूल में कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन लगा सकते हैं। तो अगर हमें दिख रहा है यार कोई भी जो कार्बन एटम है उसके आसपास एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि चार एटम्स अरेंज्ड हैं और ये चार एटम्स के बीच में एंगल कितना है 109.5, तो हम बोलेंगे कि यार यहां पर जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आया, पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आने के बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बना, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने क्या है यहां पर समरी भी तुम्हें दिखा रखी है। तो अब ध्यान से देखो यहां पर जो है इस तरह की समरी तुम्हारे पास है, तो इस समरी को बिल्कुल ध्यान रखना जब भी हम बात करें। तो अगर मेरे पास जो है इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसमें देखो कार्बन में क्या हो रहा है, इसमें कार्बन पे तीन सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे और एक पाई बॉन्ड बोलेंगे, है ना। कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, कभी भी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट के बीच में हमेशा क्या होता है, पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है ना। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि यार फिर क्या हो जाता है हमारे पास, एक से ज्यादा बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, फिर हम बोलेंगे यार फिर एक सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और फिर उसके आगे पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो किससे बने होते हैं, तो ध्यान से देखो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बने होते हैं हमारे पास किससे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, ठीक है। जबकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हमारे बने होते हैं पी या फिर डी ऑर्बिटल से इफ प्रेजेंट, है ना, पी या फिर डी ऑर्बिटल से इफ प्रेजेंट। ये बात समझ में आ गई, है ना, यस। तो ये देखो ये हमारे बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स हैं कि अगर हमारे पास कार्बन के चार हमें बॉन्ड दिख रहे हैं, तो चार बॉन्ड बोलेंगे कि यार ये चार बॉन्ड हमारे पास, अगर चार एलिमेंट, चार जो है डिफरेंट एटम से बने हुए हैं, तो इसको बोलेंगे चार सिग्मा बॉन्ड है। चार सिग्मा बॉन्ड हम बोलते हैं कि चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, इसके एक 2s और 3p ऑर्बिटल्स मिला के चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कार्बन में कभी ऐसा दिख रहा हो कि कार्बन जो है दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे कि यार यहां पर जो है एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किससे बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और अगर यहां पर मुझे कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है तो पाई बॉन्ड पी या डी ऑर्बिटल से बनता है।
अब कार्बन के अंदर तो सिर्फ पी ऑर्बिटल होते हैं, तो कार्बन का जो यहां पर पाई बॉन्ड है वो सिर्फ उसके पी ऑर्बिटल से ही बनता है। ठीक है, ओके। बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल जैसे मैंने बताया ना, यहां पर देखो मैं जो जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं है ना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वो याद रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो मैं जो चीजें हैं वो बिल्कुल याद रखनी है, कि जैसे ही तुम्हें दिखे कि कार्बन पे इस तरीके से तीन एटम्स के साथ बॉन्ड है, तीन एटम्स के साथ जब बॉन्ड है तो तीन तो हम बोलेंगे यार सिग्मा बॉन्ड है, एक अगर डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि यार पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड होता है हमारे पास है ना, पाई बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे यार वो पी ऑर्बिटल से बना हुआ है। जो एंगल है वो याद रखने कि अगर मेरे पास ये है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरे पास एंगल क्या होगी वो याद रखना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं तीन मेरे पास यहां पर जो है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो थ्री सिग्मा बॉन्ड यहां पर हम बोलते हैं किससे आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं, है ना, किससे आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं। ठीक है, तो एक s और दो p मिला के sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ज्योमेट्री अगर देखें तो ये क्या होती है, ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल का मतलब कि यार यहां पर हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर एक दो तीन तीन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है, इन सेम प्लेन, ठीक है। सो 120 डिग्री इज द एंगल हियर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली भी कंसेप्ट जो है वो याद रखने के होते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जैसे अगर तुम्हें नाइट्रोजन पे देखे है ना, अब देखो नाइट्रोजन पे तुम्हें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन पे यहां पर तुम्हें दो तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे, एक लोन पेयर दिख रहा होगा है ना, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, और एक क्या है यहां पर पाई बॉन्ड है, एक क्या हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि यार यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो जब हम लोन पेयर को डिस्कस करते हैं तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही रहता है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पर लग रहे हैं, है ना, टोटल कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पर लग रहे हैं। तो हम बोलेंगे देखो यहां पर एक लोन पेयर है ना, दो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो वन लोन पेयर प्लस टू सिग्मा बॉन्ड, ये मिला के तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए, थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कब बनते हैं हमारे पास, sp2 से बनते हैं। किससे बनते हैं, sp2 से बनते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम बोलेंगे नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का यहां पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं तुम्हें जो है ऑक्सीजन का दे रहा हूं, ऑक्सीजन का यहां पर करो कि क्या होना चाहिए। ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दो लोन पेयर है। अब मुझे बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, कितने लोन पेयर हैं प्लस कितने बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं, ये काउंट कर लो है ना, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, तो यहां पर बोलेंगे देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, और ये हमारे पास क्या है, दो बॉन्ड और हैं, तो टोटल मिला के हम बोलेंगे चार हैं यहां पर। तो कितने हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, हमें यहां पर चार जो है हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, मतलब चार हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कहां से आते हैं, sp3 से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे यार, यहां पर ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ध्यान रखना ये किसके लिए बोल रहे हैं,
ये हम सिर्फ और सिर्फ एटम्स के लिए बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि यार है ना आपस में मिलजुल के जो है कुछ नई चीज बना ली ऑर्बिटल्स ने, किसके ऑर्बिटल्स ने, एटम्स के ऑर्बिटल्स ने। तो ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड होता है, नहीं, एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड होता है, हमेशा क्या है किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन होता है, पूरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर है ना, इसमें बताओ ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जल्दी से बताओ है ना। 11th की जीओसी, बेटा हम जीओसी पढ़ रहे हैं है ना, हम जीओसी पढ़ रहे हैं, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि आप पहले जो है बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स पढ़ते हो और उसके बाद ही आगे बढ़ते हो है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है, यहां पर हमारे पास तीन बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर एक, नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हमारे पास तीन है, टोटल कितना हो गया यहां पर चार हो गया, क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन पे हमने यहां पर ये बनाया है, ठीक है, इस पे हम क्या बोलेंगे, और साथ में देखो नाइट्रोजन पे हमने जो है ये भी बनाया है CH3H है ना, तो इस केस में नाइट्रोजन पे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे हमारे पास जो है एक लोन पेयर तीन बॉन्ड, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड, टोटल चार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का होगा, ठीक है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर तीन सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स का तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख रहा है यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में इन तीन एलिमेंट्स के बारे में, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट रखना, फॉर्मल चार्ज का काउंट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसकी जो है आराम से प्रैक्टिस हमारी हो जानी चाहिए, वेरी गुड है ना। चलो अच्छा नेगेटिव चार्ज का भी करा देता हूं, चलो नेगेटिव चार्ज का भी देख लेते हैं, सपोज मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, OH- है, ठीक है, यहां पर देखो क्या होगा है ना, सिमिलरली या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि CH3 है, O है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, और अगर मैं कार्बन पे बोल दूं तो कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज है, CH3 है ना, CH3 है और CH3 है, ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या फिर कार्बन पे मैं बोलूं कि एक दो, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज और ये है, तब क्या होगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से करते जाएं इनको है ना, जल्दी जल्दी से करते जाओ। ऑक्सीजन पे एक सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज मैंने क्यों दिखा रखा है, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मार के लेके आया होगा है ना, एक नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज लगाना बहुत जरूरी है, उसी से तुम्हें पता लगेगा कि यार ये ऑक्सीजन जो है वो कहीं से मार के लेके आया इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर ये करंट का काम नहीं कर रहा है ना, यहां पर ये शकुनी मामा बना हुआ है, ठीक है, इसने पांसा फेंक के कहीं कहीं से जो है इलेक्ट्रॉन अपना चुरा लिया है, तो यहां पर ये क्या है, तीन लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, sp3, सिमिलरली यहां पर क्या है sp3, यहां पर देखो क्या है, यहां पर हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp3, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इस वाले कार्बन पे क्या हो रहा है ना, इस वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन पे एक लोन पेयर दिख रहा है ना, और एक नेगेटिव चार्ज तो में दिख रहा है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखना मतलब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन मार के लेके आया, ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या दिख रहे हैं, तीन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हम क्या बोलते हैं कि एक ही सिग्मा होगा, एक ही सिग्मा होगा, ठीक है, तो वन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, है ना, एक सिग्मा होगा दो पाई बॉन्ड, तो टोटल मिला के हम क्या बोलेंगे यहां पर, यहां पर हम बोलेंगे वन सिग्मा प्लस वन लोन पेयर, ये होता है हमारे पास टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट, और अगर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट होते हैं बच्चों तो हमें क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, तब क्या होता है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है,
ठीक है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, यहां पर इस वाले का बताओ, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 180 डिग्री एंगल है यहां पर, है ना, 180 डिग्री एंगल है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, टोटल मिला के क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर, है ना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, है ना, दोनों कार्बन क्या क्या है, एसपी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे यहां पर बताओ इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, और बच्चों इसी तरह की बहुत सारी बेसिक प्रैक्टिस के मॉड्यूल्स है ना, बेसिक प्रैक्टिस के मॉड्यूल्स कहां पर प्रेजेंट हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है। तो टेलीग्राम ऐप पे जाओ है ना, और यस को सर्च कर लो, अनुपम आईटीडी। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाओ और इसको सर्च करो अनुपम आईटीडी, तुम्हें इस तरह की बेसिक प्रैक्टिस ऑर्गेनिक की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो इन मॉड्यूल्स को काम में लो, दोनों जो हमारा बेसिक कंसेप्चुअल लेवल है और फिर उसके बाद करने वाला जो एडवांस लेवल है, वो दोनों टाइप के मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर क्या देखो, यहां पर sp3 है, ठीक है, चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इस वाले कार्बन का क्या होगा, इस वाले कार्बन के अंदर एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे, तो sp2 होगा। इस वाले कार्बन पे क्या होगा, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होगा, sp2 होगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात, वेरी गुड, है ना। इससे देखो इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में देखते हैं हम, है ना। अब देखो यहां पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ना पर है बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के चार जो है सिग्मा बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो ये कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक है, इस नाइट्रोजन का देखो यहां पर सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड दिखा रखे हैं, नाइट्रोजन के सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड दिखा रखे हैं, और कुछ नहीं दिखा रखा, और कुछ नहीं दिखा रखा। तो ये तुम्हें नाइट्रोजन के बारे में अब सीखना पड़ता है कि इसका लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा। ऐसा थोड़े ना नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन ही निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं दिखा रखा। तो अगर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं दिखा रखा मॉलिक्यूल में, इसका मतलब नाइट्रोजन पे अगर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब नाइट्रोजन पे तीन तो सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर और होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, यहां पर फॉर्मल चार्ज जीरो नहीं हो पाएगा। तो अगर यहां पर तुम्हें और कुछ नहीं दिखा रखा है, लोन पेयर नहीं दिखा रखा है, बट फॉर्मल चार्ज जीरो दिखा रखा है, तो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे तुम बोलोगे कि यार लोन पेयर होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी, इजंट इट। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर जो है फॉर्मल चार्ज जीरो है, एक लोन पेयर है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वाले ऑक्सीजन पे देखो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं दिखा रखा है, कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं दिखा रखा है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए, यहां पर दो लोन पेयर और दो बॉन्ड्स होने चाहिए। तो दो लोन पेयर तो हमें दिखा नहीं रखे, पर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर दो लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे, है ना, वरना क्या हो जाएगा, वरना यहां पर दिक्कत हो जाएगी, इजंट इट। तो दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, ये हमें खुद से समझ में आ जाना चाहिए। तो दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड हैं, और यहां पर क्या हमारे पास, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर हैं, टोटल मिला के क्या हो जाना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आते हैं, इस वाले कार्बन पे तुम्हें क्या दिख रहा है, चार बॉन्ड दिख रहे हैं, तीन सिग्मा होंगे, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फॉर्मल चार्ज जीरो है वहां पर, है ना, फॉर्मल चार्ज क्या है वहां पर, जीरो है। तो अगर तुम्हें फॉर्मल चार्ज नहीं दिखा रखा है नाइट्रोजन के ऊपर और तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तो तुम्हें यह मान के चलना है कि यार वहां लोन पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा तो जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी,
ठीक है, ठीक है, लोन पेयर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल यहां पर लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिला के तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है। तो यहां पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो कार्बन पे यहां पर sp2 होगा, इस वाले नाइट्रोजन पे कुछ नहीं दिखा रखा है, तब भी हम क्या बात करेंगे, यहां पर नाइट्रोजन पे अगर यहां पर फॉर्मल चार्ज नहीं है, तीन बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर है, साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और यहां पर कार्बन पे क्या है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और कोई एलिमेंट बचा है यहां पर, sp3, ठीक है, यहां पर देखो sp2, यहां पर sp2, यहां पर sp3, बच्चों आपको देखते ही बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, देखते ही बताना है, देखते ही हाइब्रिडाइजेशन समझ में आना चाहिए, अरे इस एलिमेंट का ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखते ही बताना है, बिल्कुल देखते ही समझ में आना चाहिए, अरे डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन के अंदर ये होना चाहिए, जल्दी से बताओ, देखते ही बताना है, बिल्कुल देखते ही बताना है, ठीक है। क्या है यहां पर, sp2, यहां पर क्या है, sp2, यहां पर क्या है, sp2, यहां पर sp2, यहां पर sp3, ठीक है, यस बेटा, ऑर्गेनिक के मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो तुम्हें समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से फॉर्मल चार्जेस को यूज करते हैं और उसको यूज करके हम जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना। तो इसलिए फॉर्मल चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल तुम्हारी उंगलियों पे होने चाहिए कि दिखते ही समझ में आ जाए कि अरे फॉर्मल चार्ज है तो ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं है तो ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। मजा आया तो जल्दी से इसको शेयर भी कर दो अभी के अभी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस तरह के बेसिक ऑर्गेनिक लेक्चर्स से स्टार्ट कर सकें। बिकॉज हम जब भी स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक, बेसिक से एडवांस में जाते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि सर मैं तो डायरेक्टली एडवांस्ड की ऑर्गेनिक पढ़ना चाहता हूं। एडवांस्ड की ऑर्गेनिक कुछ नहीं होती, अलग से मिक्स्ड कंसेप्ट होते हैं। जैसा मेरे साथ अभी तक, अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री में जुड़े हुए हो, मैंने तुम्हें बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन करके दिखाए और मैंने तुम्हें दिखाया कि क्या होता है, वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबको मिला मिलू के क्या है, एक नया जो है वहां पर जो है क्वेश्चन बना देते हैं। तो बिल्कुल वो जो एडवांस के क्वेश्चन मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा मत सोचना कि एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग होती है। ओनली थिंग इज अप्लाई करने के लिए बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है गाइस। चलो और बच्चों यहां पर अगर आपने जो है इस पूरी टीम से भी पढ़ना चालू नहीं करा है तो जरूर पढ़ो, साथ में livedaily.me/jee इस वीडियो बुक को यूज कर लो। अभी तक तुमने इस वीडियो बुक को यूज नहीं करा है तो मैं बता रहा हूं लाखों बच्चे डेली बेसिस पे, है ना, लाखों बच्चे डेली बेसिस पे यहां पर क्या है, यहां पर इसको यूज करते हैं livedaily.me/jee को। ये एक अमेजिंग वीडियो बुक है ना, इस पे तुम्हें सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा बच्चों अगर आप जो है हमसे और जो है जुड़े रहना चाहते हैं तो अनअकैडमी जेई जो है इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो ताकि तुम्हें अपडेट्स मिलते रहें। उसी के साथ देखो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम आईटीडी, इसको फॉलो कर लो, इस पे तुम्हें डायरेक्टली जो है अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी मेरे लेक्चर्स है ना उसका जो मटेरियल होता है साथ में मटेरियल के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है तुम्हारे पास, बुक्स वगैरह, वो सब अवेलेबल है। तो दिस इज अ वन स्टॉप जगह फॉर यू, है ना, तुम्हें केमिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट के लिए जो भी चीज चाहिए, प्रैक्टिस बुक हो, चाहे तुम्हारी थ्योरी बुक हो, चाहे प्रैक्टिस टेस्ट हो, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बिल्कुल इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है गाइस। और साथ में यहां पर जो है अगर तुम हमसे लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ते हो आके, तो पूरी अनअकैडमी जेई की टीम से जब लाइव क्लास एनवायरमेंट पढ़ते हो तो बच्चों कंसेप्ट और स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज हम तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे एक नॉर्मल क्लास में होता है ना कि जब टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो और ज्यादा चीजें फंडे समझ में आते हैं। तो बिल्कुल वैसी चीज बच्चों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल होती है। एक ऐसा माहौल अवेलेबल होता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एक तो लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ना होता है, उसके अलावा हमारे पास जो है इंटरेक्शन, डाउट सॉल्व करना, डाउट क्लियर करना, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस एनालिसिस देखना, ये आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पूरी तुम्हें अकेडमी जेई की टीम भी पढ़ा रही है, एंड अलोंग विद दैट उसके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स तुम्हें यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर कोटा की फैकल्टीज भी अवेलेबल है बच्चों, साथ में जो है बहुत सारे ऑथर्स अवेलेबल हैं जो कि
है ना, ऐसी बुक लिख चुके हैं जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो ऐसे टीचर से तुम डायरेक्टली लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ते हो तो तुम्हारे फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हें एडवांस लेवल का जो वो होता है कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जल्दी से आने के लिए क्या करना है तुम्हें, अनअकैडमी की ऐप देखो डाउनलोड कर लो, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे देखो वहां पर प्लस सेक्शन में जाना है, फिर तुम्हें 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 से 2 साल सब्सक्रिप्शन में तुम्हारा पूरा तैयारी हो जाता है ना, इतना मिनिमम टाइम चाहिए होता है। एंड उसके साथ देखो अनुपम लाइव कोड अगर यूज करोगे तो मुझे पता लगेगा कि यार ये लेक्चर तुम्हें कितने जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। साथ में यहां पर अनुपम लाइव कोड जब यूज करते हो व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन तो बच्चों आपको डिस्काउंट मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल अपना सब्सक्रिप्शन में। और ध्यान रखना अगर तुम्हें पर्सनल मेंटर्स की जरूरत है जो तुम्हें कंटिन्यूअसली गाइड कर सकें कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है, ये बैचेस अटेंड करने एंड सो ऑन, तो आपको क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, उसमें पर्सनल मेंटर्स भी आपको जो है असाइन होते हैं। ठीक है गाइस, साथ में देखो अभी अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 1 से 2 दिन के अंदर तो आपके ये ऑफर्स भी चल रहे हैं, कुछ फ्री मंथ्स आपको अवेलेबल होंगे, है ना। और साथ में जो है बच्चों आपका यहां पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप वो ले लेते हो 30 जून तक तो आपको बहुत सारा जो मटेरियल है अनअकैडमी का खुद का मटेरियल है ना वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे मटेरियल जो चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, सर नोट्स दे दो है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दो, तो यार वो सभी चीजें जो है आपको घर पे भेज दी जाएंगी अगर आप जो है 30 जून तक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है, नोट्स के लिए बेटा आपको क्या करना है, मैकमोहन है ना, नहीं मैकमोहन नहीं, अरे तो माचो मैन है, मुझे लगा ये तो पुराना वाला हीरो वाला नाम हो गया मैकमोहन माचो मैन है यहाँ पर। बेटा मैंने आपको बोला था livedaily.me/jee है ना, जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं कहां से नोट्स मिलेंगे, एक सिंपल वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारे लिए, क्या livedaily.me/jee है ना, अभी मैंने बीच में बताया था, बस उस लिंक को अपने ब्राउजर में डालो, सारे सारे नोट्स का लिंक वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है चलो, और साथ में देख लिया यहाँ पर ये जो है अभी वैलिड है, तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो आइकॉनिक। साथ में देखो फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इमर्ज बैच जो है वो स्टार्ट हो गया अनअकैडमी जेई टीम का, और ये सारे के सारे बैचेस बच्चों जून के बैचेस हैं जिसमें अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट अपना कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पीछे रह गए हैं है ना, जिनको पहले पता नहीं था अनअकैडमी के बारे में, या जो हमारे साथ जो है वापस से जुड़ना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेश बैचेस के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। 11th और 12th दोनों के फ्रेश बैचेस जो है वो अनअकैडमी में स्टार्ट होने वाले। ठीक है, उसमें ध्यान रखो अगर तुम्हें प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है ना, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, और स्कॉलरशिप जो है बहुत सारी अवेलेबल है तुम्हारे पास, फ्री सब्सक्रिप्शन, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप। तो इसके लिए क्या तुम्हें टेस्ट देना पड़ता है, और ये टेस्ट हर संडे को 11 बजे होता है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, और उसके लिए भी तुम्हें क्या करना है, ये अनुपम लाइव कोड यूज करके एनरोल करना है। ठीक है, तो इसे ऐप पे जाके तुम्हें करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज के लिए यही रुक रहे हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी की अभी कर डालो, तब तुम्हारे इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स मिस नहीं हो जाएं, एंड साथ में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। ठीक है गाइस, इज livedaily.in बिल्कुल बेटा इट इज सफिशियंट। अगर तुम मेरे पिछले जो है 12th के लेक्चर्स अगर अटेंड करते आ रहे हो अप्रैल से, तो बच्चों आपको पता लगी क्या होगा कि यार जो मैं पढ़ाता हूं उससे आप पिछले 5 साल के अप टिल एडवांस्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, है ना, उसके पहले वाले तो और आसान होते हैं। पिछले 5 साल के अगर तुम एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन इस कंटेंट से अगर क्रैक कर सकते हो तो दिस इज सफिशिएंट फॉर जेई, इससे बियॉन्ड आपको जो है कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट क्या तुम PYQ करके देख रहे हो अनअकैडमी जेई के जो जितने भी चीजें हैं है ना लेक्चर्स के साथ, अगर तुम PYQ अटेंड करके देखोगे तो मैं खुद ही समझ में आ जाएगा दिस इज अ सफिशिएंट कंप्लीट है ना जगह फॉर योर प्रिपरेशन। पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बूस्टअप करना है तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम एडवांस लेवल पे उस दिन परफॉर्म कर सको, उसके लिए तुम जो है और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है वो बच्चों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, चलो बाय एवरीवन।